हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो राइट्स हैं उनको डिफाइन किया गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है कि जो स्टेट था उसकी पावर्स क्या क्या थी। सबसे ज्यादा जो बहस वाला मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स की राइट्स को लेके, और जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे ज्यादा आर्ग्यू कर रहे थे कि जो सेंटर है उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो अपना लेटर लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को, उसमें उन्होंने कहा कि पार्टीशन जो है अब एक सेटल्ड फैक्ट हो चुका है, तो अब ये बहुत ज्यादा एक तरह से इंजूरियस रहेगा हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए कि एक हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमजोर रहे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो अपनी खुद की कंट्री के अंदर की जो शांति है उसको वो पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जो हमारे मैटर्स हैं कॉमन कंसर्न को लेकर, या एक अच्छे तौर पे बात करना, इफेक्टिव तौर पे बात करना पूरे शहर के कंट्री के बिहाफ पे इंटरनेशनल स्फीयर में, वो जो है नहीं हो पाएगा अगर हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक होगी। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो है तीन लिस्ट निकाली सब्जेक्ट्स की, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जो सब्जेक्ट्स पहली लिस्ट में आ रहे थे वो सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में थे, जो सेकेंड लिस्ट में आए वो स्टेट के अधिकार में थे, और जो तीसरी लिस्ट में थी उसमें क्या था कि सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों जो है मिलकर जिम्मेदारियों को उठाएंगे। बहुत सारे आइटम्स ऐसे भी थे जो खास तौर से यूनियन के कंट्रोल में रखे गए बाकी और फेडरेशन के मुकाबले, कुछ ऐसे थे जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए जबकि प्रोविंसेस की उनकी ज्यादा इच्छा नहीं थी। यूनियन का जो है कंट्रोल था मिनरल्स पे भी और जो मेजर इंडस्ट्रीज है उन पे भी। इसके अलावा आर्टिकल 356 ने सेंटर को इतनी पावर दे दी थी कि वो जो है अगर गवर्नर जो है वो रिकमेंड करते हैं तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ओवरटेक कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और अधिकार पद निकाला जो हमारा जटिल समस्या होती है, जटिल सिस्टम है हमारे आर्थिक संघ का, उसको लेकर कुछ टैक्सेस के केस में जैसे कस्टम ड्यूटीज हो गई, कंपनी टैक्सेस हो गए, उसमें जो सेंटर है वो उसकी सारी प्रक्रिया पे कंट्रोल करेगा। दूसरे केसेस में जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज हैं, इसमें वो स्टेट के साथ शेयर करेगा। कुछ और केसेस हैं जैसे एस्टेट ड्यूटीज, इसमें ये पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में होंगी। स्टेट्स ने जो है इसके अलावा जो स्टेट था वो टैक्सेस लगा सकता है, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है अपनी मर्जी पे किसी किसी चीजों के अंदर, जिसमें लैंड और प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं, सेल टैक्स आते हैं, और यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टैक्स है वो है बॉटल लिकर पे, वो भी जो है स्टेट के ही हाथ में था। ये जो स्टेट्स के अधिकार थे इनको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जो डिफेंड किया वो किया के संत नाम जो कि मद्रास के थे। पावर्स जो थी उनका रीअलॉटमेंट होना, रीअलोकेशन होना जरूरी था, क्योंकि जो स्टेट हैं उनको ही नहीं बल्कि सेंटर को भी मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा ये करना गलत होगा कि सारी की सारी तरह की जो पावर्स है वो सेंटर को दे दी जाए ताकि जो सेंटर है वो मजबूत बन जाए। ये एक तरह का हमारा मिसकंसेप्शन है, ऐसा संत नाम ने कहा। अगर सेंटर को ज्यादा आप बर्डन से लाद देंगे, बोझ से लाद देंगे जिम्मेदारियों के, तो वो अपनी सही से जो फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके कुछ अधिकार जो उसके फंक्शन है उनको रिलीव किया जाए और उनको स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जो सेंटर है वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। अब जहां तक स्टेट्स की बारी थी, संत नाम को ऐसा लगा कि जो प्रपोज एलोकेशन है पावर्स का उससे उनको जो है वो अपंग बना देगा। ये जो आर्थिक प्रोविजन है इससे जो क्षेत्र हैं वो गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस एक लैंड रेवेन्यू को छोड़ के वो जो है सेंटर की उसमें रखे गए हैं। अब फाइनेंस नहीं होंगे तो स्टेट जो है वो डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट कैसे कर पाएगा। अब यह ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आके, या कहना चाहिए कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना हो जिसमें यूनिट को जो है सेंटर के पास आकर ये कहना पड़े कि मैं अपने जो लोग हैं उनको पढ़ा लिखा नहीं सकता, मैं सही से उनको सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, मेरे को जो है चाहिए ताकि मैं रोड, मतलब फंड चाहिए ताकि मैं रोड्स को इम्प्रूव करा पाऊँ या इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव कराऊँ। तो हम लोग को ये जो फेडरल सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए और एक यूनिटरी सिस्टम जो है उसको लाना चाहिए। संत नाम ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि एक अंधकारमय भविष्य हो सकता है अगर ये जो प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का इसको बिना किसी और छानबीन के एडॉप्ट कर लिया गया। कुछ ही सालों में उन्होंने कहा सारे के सारे जो प्रोविंसेस यानी जो क्षेत्र है वो सेंटर के खिलाफ बगावत कर देंगे। बहुत सारे और भी थे क्षेत्र के जिनको सेम डर लगने लगा और उनकी भी वही तरह की आवाज उठने लग गई।
कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसके लिए उनको एक तरह से संघर्ष करना पड़ा ताकि उनको जो है कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट में डाला जा सके। एक मेंबर थे उड़ीसा से, उन्होंने वार्न किया कि ये जो सेंटर है वो टूट भी सकता है क्योंकि सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज करी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। जो बहस थी कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है प्रोविंसेस को मिले, उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया असेंबली के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा जो है कई अफसरों पर कहा गया जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने सेशंस की शुरुआत करी थी। अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि वो चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर हो, मच स्ट्रॉन्गर हो उस सेंटर से जैसा कि क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उन्होंने जो है मेंबर्स जो थे उनको याद दिलाते हुए कहा कि जो भी हिंसा या जो वायलेंस हुआ है, दंगे हुए हैं, उसकी वजह से जो नेशन है वो दूर हो रहा है एक दूसरे से। बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो बार बार इस बात को स्टेट कर रहे थे कि जो पावर्स हैं सेंटर की उनको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि ये जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं इनको स्टॉप किया जा सके। इसी तरीके से जो डिमांड्स थी कि पावर्स या जो जो क्षेत्र है उनको पावर दी जाए, उसमें गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सेंटर को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए। एक मेंबर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने कहा कि खाली एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो ही सबसे सही प्लान कर सकता है कंट्री की भलाई का, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सही तरीके से मोबिलाइज कर सकता है, साथ ही साथ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से एस्टेब्लिश कर सकता है, और कोई भी अगर फॉरेन एग्रेशन होता है तो उसके खिलाफ जो है कंट्री को डिफेंड कर सकता है। पार्टीशन से पहले कांग्रेस ने जो है इस बात पे एग्री कर लिया था कि काफी खुली छूट मिलेगी प्रोविंसेस को, यानी अपने क्षेत्र में राज करने का उन्हें काफी अच्छे अधिकार मिल जाएगा। ये एक तरह से कोशिश थी उस पार्ट को लेकर कि जो मुस्लिम लीग है प्रोविंसेस के अंदर, जहां पर मुस्लिम लीग पावर में आ गई सेंटर में, वो इंटरफेयर ना करे। पर पार्टीशन के बाद ज्यादातर नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और उनको ऐसा लगा कि जो पहले के पॉलिटिकल प्रेशर्स थे कि डिसेंट्रलाइज किया जाए स्ट्रक्चर को, अब वो जो है नहीं रह गए हैं। अब उसकी जगह यूनिटरी सिस्टम आ गया था जो कि पहले से ही कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा चुका था। जो उस समय की हिंसा थी उसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन को फिर पुश किया जा रहा था, और अब बहुत जरूरी लगने लग गया था कि ये जो कंफ्यूजन है इन सबको जो है खत्म किया जाए और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक तरह से ये दिखाया कि वो जो है पूरी तरह से बायस है राइट्स को लेकर यूनियन ऑफ इंडिया की, अपने जो भी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले, यानी कि जो यूनियन है इंडिया की उसकी जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके प्रति वो जो है ज्यादा बायस था बजाय जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के हैं उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया को वो रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब फिर एक हमारा टॉपिक और आता है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी नेशन की, कैसे जो है नेशन को एक किया जाए जब लोग जो है अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और हर कोई अपने वहां की जो कल्चरल संस्कृति वगैरह है उससे जुड़ा हुआ है। कैसे लोग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे अगर वो एक दूसरे की भाषा को ही नहीं जानते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लैंग्वेज के ऊपर भी लेकर काफी महीनों तक विवाद चलता रहा और कई बार जो है बहुत तीखी बहस भी हो गई। 1930s में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदुस्तानी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। महात्मा गांधी को लगा कि हर कोई जो है उस भाषा में बात करे जो आम आदमी आसानी से समझ पाए। हिंदुस्तानी मतलब एक तरह से हिंदी और उर्दू का मिक्सचर, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थी लैंग्वेज बहुत बड़े सेक्शन में लोगों के बीच में, और एक ऐसी लैंग्वेज थी जो अलग अलग कल्चर्स के मिलने से और ज्यादा निखर गई थी। उसके अंदर कई सारे इतने साल बीतने पर कई नए वर्ड्स आ गए थे, कई टर्म्स आ गई थी जो अलग अलग सोर्सेस थी और इसी वजह से अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो उसे आसानी से समझ सकते थे। अब ये जो मल्टी कल्चरल लैंग्वेज थी इसके लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि ये हमारी आइडियल लैंग्वेज हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। ये हिंदूज और मुस्लिम्स को भी जोड़ सकती है और लोग जो नॉर्थ और साउथ के हैं उनको भी। 19th सेंचुरी के एंड से हिंदुस्तानी जो है वो एक लैंग्वेज बन गई जो जिसमें धीरे धीरे चेंज आने लग गया।
जैसे जैसे कम्युनल जो मतभेद थे वो गहराते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू भी जो है वो दूर होने लग गई। अब एक तरफ संस्कृताइज हिंदी जो होती है उसकी तरफ लोग बढ़ रहे थे, जिसमें सारे वर्ड जो है वो पर्शियन या अरबिक ओरिजिन के थे। दूसरी तरफ उर्दू जो है वो पूरी तरह से पर्शनाइज होती जा रही थी। नतीजा क्या हुआ, लैंग्वेज जो है अब वो जो रिलीजियस आइडेंटिटीज होती है यानी धार्मिक जो हमारी पहचान है उस पर जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसके बेसिस पे वो जुड़ने लग गई। महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, जो हमारा एक बिलीफ था अपना हिंदुस्तानी कैरेक्टर में, उसको बरकरार रखना जरूरी है या उसको बरकरार रखना होगा। उनके जो शुरू के सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें आर वी धुलेकर जो कि कांग्रेसमैन थे यूनाइटेड प्रोविंस से, उन्होंने एक काफी एग्रेशन भरी रिक्वेस्ट करी कि हिंदी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रक्रिया में लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी असेंबली में नहीं है जो इस लैंग्वेज को नहीं जानता। तो धुलेकर ने कहा कि लोग जो इस हाउस में प्रेजेंट हैं अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं तो वो इस मेंबर असेंबली के मेंबर होने के अधिकारी नहीं है। मतलब कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली का हिस्सा क्यों हैं, ज्यादा अच्छा है वो जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, जब इस तरह की बात कही गई तो एकदम से कंफ्यूजन फैल गया, क्योस फैल गया हाउस के अंदर। लेकिन धुलेकर जो थे उन्होंने अपनी भी स्पीच तब भी हिंदी में जारी रखी, पर जो एक अशांति सी माहौल में आ गई थी उसको जो है जवाहरलाल नेहरू की दखल की वजह से दोबारा रिस्टोर किया जा सका। लेकिन तब भी जो लैंग्वेज का मुद्दा था वो अभी भी जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसमें अड़चन डाल रहा था और मेंबर्स को जो है आने वाले 3 सालों में इसी तरीके से जैसे उकसाता रहा या वो लोग गुस्से में आते रहे। 3 साल के बाद 12 सितंबर 1947 को धुलेकर की जो स्पीच थी लैंग्वेज को लेकर नेशन के, उसने अगेन एक कहना चाहिए बहुत बड़ा फिर से तूफान को खड़ा कर दिया। अब तक जो लैंग्वेज कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और ये सोचा था कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है उस पर विचार किया जाए ताकि ये जो लोग हिंदी एडवोकेट कर रहे हैं नेशनल लैंग्वेज के तौर पे और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनके जो बीच का एक गहरा जो खाई है उसको कम किया जा सके। तो ये डिसाइड किया गया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है वही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन ट्रांजिशन जो हिंदी का है उसको समय समय पे किया जा सकता रहेगा। शुरू के 15 साल में इंग्लिश जो है वो अभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करी जाएगी। हर प्रोविंस को जो है अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी एक रीजनल लैंग्वेज चुने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए प्रोविंस के अंदर, पर हिंदी को रेफर करते हुए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बजाय नेशनल लैंग्वेज के तौर पे जो लैंग्वेज कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसने ये उम्मीद करी कि इससे जो है एक इमोशंस को खत्म करके एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे जो सभी को मंजूर होंगे। धुलेकर ही अकेले नहीं थे जिनका ऐसा एटीट्यूड था समाधान को लेकर। वो ये चाहते थे कि हिंदी जो है वो खाली ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ही ना डिक्लेयर हो बल्कि एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे भी डिक्लेयर करी जाए। उन्होंने उनके ऊपर जो है अटैक किया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हिंदी जो है वो जबरदस्ती नेशन पे ला दी जा रही है, और मजाक उड़ाया उन लोगों का जो लोग कह रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम पर कि हिंदुस्तानी जो है बजाय हिंदुस्तानी के हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा स्पीच में अपनी कि मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं होगा अगर हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए कंट्री का। कहने को एक कुछ कंसेशन होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज के लिए, एक तरह से रियायत है ये हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ये एक कंज्यूमेशन है हिस्टोरिक प्रोसेस का। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हो रहे थे बहुत सारे मेंबर्स वो थे कि जिस आवाज में धुलेकर जो है अपने केस पे बहस कर रहे थे, कई बार उनकी स्पीच के दौरान जो प्रेसिडेंट थे असेंबली के उन्होंने बीच में धुलेकर को इंटरप्ट करके कहा कि आप जो हैं अपने केस को इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते जिस तरह से आप बोल बोल के, मतलब जो आपका बोलने का तरीका है आप इस तरीके से उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन धुलेकर ने तब भी जो है अपना जो भाषण था उसको जारी रखा। एक दिन धुलेकर के बोलने के बाद श्रीमती जी
दुर्गाबाई जो मद्रास थी थी उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करा कि किस तरीके से इनका जो डिस्कशन है वो डेवलप हो रहा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो सवाल है नेशनल लैंग्वेज का इंडिया को लेकर, जो अभी तक एक सबकी सहमति के अकॉर्डिंग प्रपोजिस था, अभी अचानक से जो है एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे सही हो या गलत, जो नॉन हिंदी भाषा बोलने वाले इलाके हैं वहां पर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो एटीट्यूड है हिंदी स्पीकिंग एरियाज के बिहाफ पे, ये एक तरह से फाइट हो रही है ताकि जो और पावरफुल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, जिस तरह का हमारा एक मिली जुली संस्कृति है इस नेशन के अंदर, उसमें यानी कि हिंदी को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, बाकी और जो पावरफुल लैंग्वेजेस हैं उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करी जा रही है। दुर्गाबाई ने यह भी इन्फॉर्म किया कि हाउस के अंदर की जो अपोजिशन साउथ में है हिंदी को लेकर वो काफी ज्यादा है। ओपोनेंट्स जो है वो ये मान रहे हैं कि जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है हिंदी को लेकर, इससे क्या होगा, जो और प्रोविंशियल क्षेत्रीय भाषा है उनकी एक तरह से जड़ काटने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा बहुत से और भी थे जो महात्मा गांधी की बात को मान रहे थे और उन्होंने जो है हिंदी प्रोपोगेंडा को साउथ में आगे भी बढ़ाया, काफी बहादुरी से रेजिस्ट किया, स्कूल्स खोले और वहां पर हिंदी की या कितने क्लासेस को शुरू भी किया। तो दुर्गाबाई ने कहा, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये देखकर कि ये जो एक उत्साह था इसके खिलाफ जो एजिटेशन हो रहा है, जैसा कि हमने हिंदी को शुरुआत की सेंचुरीज के जो साल थे उसमें जिस तरह से लेके चले थे, तो वो जो उत्साह है उसकी जगह अब एजिटेशन होने लगा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हिंदुस्तानी है वो लोगों की भाषा है, पर अब क्योंकि ये जो भाषा है ये चेंज होती जा रही है, जो उर्दू के वर्ड्स थे या अदर रीजनल लैंग्वेज के वर्ड थे उनको निकाल दिया गया है। अब ऐसे जो कदम उठाए जाएंगे जिसमें जो हिंदुस्तानी है जो भाषा है उससे क्या होगा, जो और अलग अलग लैंग्वेज के ग्रुप के लोग हैं उनके मन में जो है डर भी आएगा और एंजाइटी भी होगी। एक मेंबर थे जो कि बॉम्बे से थे, श्री शंकर राव देव, उन्होंने ये बताया कि एज एक कांग्रेसमैन होने के नाते और महात्मा गांधी के फॉलोअर होने के नाते उन्होंने हिंदुस्तानी को जो है नेशन ऑफ द लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, पर उन्होंने एक और जैसे कहना चाहिए वार्निंग दी कि अगर तुम जो है मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट चाहते हो तो तुम अब कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरी जो शंका है वो बढ़े और उससे मेरे जो डर है उसको और ज्यादा ताकत मिले। टी ए रामलिंगम चेटियार जो मद्रास से थे उन्होंने भी जोर दिया कि जो भी कुछ किया जाए उसको जो है बहुत सोच समझ के किया जाए, क्योंकि जो हिंदी का कॉज है वो किसी की मदद नहीं करेगा अगर उसको जो है ज्यादा गुस्से से आगे ले जाया जाए। लोगों का जो डर है, कहने को वो अनजस्टिफाइड था, तभी उसे ध्यान में रखना होगा, और क्या है कि उससे जो है कड़वाहट भरी जो एक भावनाएं होती हैं वो पीछे छूट जाएंगी। अगर हम साथ रहना चाहते हैं और एक यूनाइटेड नेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट करना होगा और कोई भी जो है दबाव नहीं डालना होगा लोगों के ऊपर कि तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना ही करना है। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो काफी गर्मा गर्म बहस और डिस्कशन के बाद बन गया। बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं जो उस टाइम पे आए थे वो गिव एंड टेक की प्रक्रिया से आए और एक दो ऑपोजिशंस के बीच में एक जिसे होता है ना मिडिल ग्राउंड उसको बनाया गया। सेंट्रल फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था कि एग्रीमेंट जो है वो किया जाए, हर एक एडल्ट इंडियन को वोट का अधिकार दिया गया। ये एक तरह से बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक्ट था फेथ का, क्योंकि बाकी और डेमोक्रेसीज में जो वोट था वो धीरे धीरे दिया गया और स्टेजेस में दिया गया। जैसे कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स या यूके, वहां जो जिन लोगों के पास सिर्फ प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ही अधिकार मिला वोट डालने का, फिर वो लोग जिनके पास एजुकेशन थी उनको जो है उस सर्कल में लाया गया, फिर काफी लंबे और एक कहना चाहिए संघर्ष के बाद जो वर्किंग क्लास हैं या जो किसान वाली बैकग्राउंड के हैं उन लोग को वोट डालने का अधिकार किया गया। उस एक और लंबा संघर्ष जो है उसकी भी जरूरत थी ताकि इस अधिकार को जो है विमेन को भी दिया जा सके। सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था जोर डालना सेकुलरिज्म पे। इसमें जो सेकुलरिज्म था इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि बताने जरूरी हैं। सबसे पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट किया गया सीरीज फंडामेंटल राइट्स की, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, सारे धर्मों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, और उसको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करे। साथ ही साथ स्टेट जो है वो अपने आप को दूर रखेगा रिलीजियस कम्युनिटीज से, बैन करेगा जो भी कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के अंदर, स्कूल्स और कॉलेजेस चलाएंगे और डिक्लेयर करेंगे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो पूरी तरह से इलीगल होगा, यानी धार्मिक भाव जो भेदभाव है एम्प्लॉयमेंट में उसको भी इलीगल किया जाएगा। एक कुछ लीगल स्पेस जो है उसको क्रिएट किया जाएगा ताकि कम्युनिटीज के अंदर जो है कुछ अगर सामाजिक बदलाव करने हैं उसकी जगह रहे एक ऐसा स्पेस जिसको अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए यूज किया जाए या चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाए पर्सनल और फैमिली लॉज में। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के केस में अगर देखें तो कोई भी एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं था स्टेट का रिलीजन से, लेकिन हाँ एक डिस्टेंस था दोनों के बीच में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई उससे हमें एक चीज समझ में आई कि बहुत सारी जो मतभेद वाली आवाजें थी उनको जो है नेगोशिएट करना पड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और बहुत सारी डिमांड्स जो हैं उनको भी जो है एक तरह से आर्टिकुलेट करना पड़ा। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना पड़ा। वो हमें बताते हैं उन आइडियल्स के बारे में जो कि लाए गए और प्रिंसिपल्स के तौर पे बनाए गए जो भी मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनके द्वारा। इन डिबेट्स को पढ़ते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो आइडियल्स इन्वोक किए जा रहे हैं उनके ऊपर दोबारा काम किया गया था जब ऐसा लगता था कि वो जो है कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं। कई समय समय पर जो मेंबर्स थे असेंबली के वो भी अपने विचारों को चेंज करते थे और इस तरह की जो बहस थी वो हर 3 साल बाद होती थी। और लोगों की बहस सुनने के बाद कुछ मेंबर्स जो है अपनी पोजीशंस को दोबारा सोचते थे, अपने जो उनके विचार हैं उनको ऊपर एक बार खुले दिमाग से फिर गौर करते थे, जबकि कुछ ऐसे होते थे जो अपनी व्यूज को जो है बदल लेते थे जिस तरह की आसपास की घटनाएं हो रही होती थी उनको लेकर। तो ये था हमारा चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।